तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप दोस्तों बिल्कुल कम खर्चे में कम पूंजी लगा के आप अपना साइबर कैफे का बिजनेस कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसका पूरा आपको लिस्ट देने वाला हूं, आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला लिस्ट है। इसमें सारा सामान का नाम लिखा हुआ है कि एक साइबर कैफे खोलने के लिए कौन कौन से सामान का ज़रूरत पड़ता है, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। और सारा कुछ बताने वाला हूँ आप एक साइबर कैफ़े खोलकर आप महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं और कौन कौन सा सर्विस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन कौन सा सामान यहाँ पे लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सामान का पूरा लिस्ट है, जो कि सामान दोस्तों टोटल आपका 20,850 रुपया यानी कि लगभग 20 से 21,000 के लगभग में आपका एक साइबर कैफ़े खुल के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप ऐसा साइबर कैफ़े का शॉप खोलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके एस ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों साइबर कैफ़े जो खोलने का लिस्ट का जो सामान है उसमें सबसे पहला सामान जो है यहाँ पे हमारे पास है लैपटॉप या कंप्यूटर। दोस्तों आपको ये जब आप काम नया चालू करेंगे तो आपको ये नया नहीं लेना है, आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप दोस्तों नया ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको सेकेंड हैंड ही काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इस रेंज में, वो लगभग दोस्तों आपको 15,000 के लगभग में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सबसे ऑल इन वन प्रिंटर का काम आता है, जो कि साइबर कैफे में सबसे ज़्यादा प्रिंट होता है इसी से, जिसमें से इसमें यहाँ पर जेरोक्स कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं कलर और ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ से इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड प्रिंट, उसके बाद कोई भी कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और कई तरह के कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा प्रिंटर जो है एप्सन L3210, जो कि कलर प्रिंटर है, ऑल इन वन प्रिंटर इसको बोला जाता है और इसमें सारा कुछ फंक्शन है। तो दोस्तों इसका प्राइस जो आपको पड़ेगा वो लगभग 12,300 पड़ेगा नया में, तो आपको ये नया ही लेना है, सेकेंड हैंड आपको इस ये नहीं लेना है, क्योंकि सेकेंड हैंड आप लेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और अगर आप एक बार नया ले लेंगे दोस्तों तो इससे आप प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा इससे उसके बाद यहाँ पर आता है लेमिलेशन मशीन। तो लेमिलेशन मशीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास लेमिलेशन मशीन है जो कि हैवी क्वालिटी का, आप इससे नॉर्मल क्वालिटी में भी ले सकते हैं। दोस्तों इसका लेमिलेशन मशीन का प्राइस 2800 है और दोस्तों अगर आपके पास बजट कम है तो आप इससे कम वाला भी ले सकते हैं जो कि प्लास्टिक बॉडी में आता है, और दोस्तों उसका प्राइस लगभग वही आपको 2000 के लगभग या तो 1500-1600 के लगभग में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चौथा सामान जो है वो है मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस, जो कि दोस्तों ये वाला डिवाइस है जिससे काफ़ी सारे काम होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आधार कार्ड से पैसा निकालेंगे या तो फिंगर से किसी का पैन कार्ड बनाएंगे या तो कोई भी KYC करेंगे या तो कुछ नया सिम कार्ड वगैरह बेचेंगे, तो एक दोस्तों ये वाला डिवाइस काफ़ी जगह काम आता है। और दोस्तों जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वो प्रिंट करना चाहते हैं और वो निकालना चाहते हैं आधार कार्ड, तो दोस्तों ये फिंगर के जरिए इसी से वो निकलेगा। तो इसका भी प्राइस दोस्तों लगभग 2000 के लगभग है और अभी इसका प्राइस और कम हो गया, तो अभी और आप चेक करेंगे ऑनलाइन में तो आपको हो सकता है कि 2000 से कम में भी ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मशीन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। उसके बाद दोस्तों इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो लगेगा, तो मटेरियल में दोस्तों सबसे पहले हमारे पास यहाँ है A4 का जेरोक्स पेपर, जो कि दोस्तों ये वाला जेरोक्स पेपर वो आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी सारे अलग अलग कंपनी में आता है, और दोस्तों इसका रेट जो है 230 रुपये से लेकर 280-250 के लगभग में आपको जैसा क्वालिटी रहेगा वैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है सो सेंचुरी का पेपर है, जो कि काफ़ी अच्छा पेपर है और इसका जो दोस्तों प्राइस है वो लगभग 250 है, जिसमें कि 500 पेज रखता है, इस तरह से जो पेज है A4 का वो पूरा 500 पीस रहेगा। तो चलिए इसका हो गया, अब इसको हम साइड में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है लेमिलेशन पाउच 100 पीस, तो 100 रुपया वाला जो लेमिलेशन पाउच है जो 100 पीस आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे आप आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या तो कोई भी कार्ड इससे प्रिंट कर सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल कटिंग किया हुआ रहता है पाउच। और दोस्तों ये वाला आपको कम से कम लगभग 1 रुपये पीस पड़ता है, जो कि ये वाला 100 रुपये का 100 पीस रहता है और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है लेमिलेशन रोल, तो रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम रोल यहाँ पे रखे हैं,
तो ये वाला रोल भी लगभग आपको 150 के लगभग में आ जाता है, जो कि रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है। इससे आप बहुत सारे लेमिनेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये वाला कितना मोटा लेमिनेशन है। आपको मैं इसमें फोकस करके दिखा देता हूँ। इससे आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेमिनेशन कर सकते हैं। इससे में अच्छा कमाई हो जाएगा आपका। तो इसको आप एक बार ले लेंगे दोस्तों तो काफ़ी दिन चल जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास लेमिनेशन रोल के बाद आता है A4 लेमिनेशन पाउच। तो A4 लेमिनेशन पाउच में जो है सो हमारे पास ऐसा वाला लेमिनेशन पाउच आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है और ये थोड़ा महंगा आता है दोस्तों। इसका जो है सो 100 पीस का प्राइस जो आपको लगभग 300 में आ जाएगा, मतलब एक जो पेज है, एक जो ये वाला प्लास्टिक है वो 3 रुपया पड़ता है। तो इसको कटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे मतलब इसको खोल के और डॉक्यूमेंट डाल के सीधा लेमिनेशन कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और इसका क्वालिटी अच्छा रहता है। तो ये वाला लेमिनेशन करके आप कस्टमर से 20-30 रुपये आराम से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड आईडी। तो आपको पैन कार्ड आईडी जो लेना है वो NSDL का रिटेलर आईडी लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये NSDL का सर्टिफिकेट है, जो कि रिटेलर आईडी का सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उससे आपको 300 में दोस्तों ये आईडी आपको पड़ेगा। और ये आईडी लेने के बाद दोस्तों आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं पैन कार्ड बना के। दोस्तों आप लगभग एक पैन कार्ड बनाएंगे तो आपको लगभग 200 रुपये तो मिल जाएगा, और अगर आप कोई पैन कार्ड करेक्शन करते हैं तो आपको जो है सो 150 लगभग मिल जाएगा दोस्तों। और उसमें 107 रुपये जो है सो आपका कटता है पैन कार्ड बनाने या पैन कार्ड करेक्शन करने में। उसके बाद ये आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये FC ID आधार विड्रॉल, मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सब कुछ रखा हूँ, तो चलिए मैं एक बार आपको लैपटॉप का स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सा आईडी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम होम पेज में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो पैन कार्ड वाला आईडी है वो हमारा NSDL रिटेलर आईडी है, जिससे हम पैन कार्ड बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पर और आपको दिखा देते हैं, और हमारे पास जो आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं और आधार से, तो यहाँ हमारे पास पे नियर बाय का आईडी है, तो ये वाला भी आप देख सकते हैं पे नियर बाय का आईडी, जिससे इसमें सारा कुछ दिया है यहाँ पे आधार कार्ड से, जिसमें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं FC मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला, आधार पे और मनी ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ इसमें सर्विस दिया हुआ है। तो ये दोस्तों ये वाला आईडी लेंगे तो आपको ये लगभग 1000 रुपये पड़ेगा अगर आप रजिस्टर करते हैं। और दोस्तों अगर आपके एरिया में अगर पे नियर बाय का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो आप उसको गूगल से संपर्क कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे पे नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, तो वहाँ पर नंबर अगर शो हो जाता है तो आप वहाँ से भी आप आईडी ले सकते हैं, जो कि आपको उसमें पैसा नहीं लगता। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेंगे तो वो आपको आईडी फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इतने सारे काम हो गया, उसके बाद और यहाँ से आप काम कर सकते हैं क्या क्या, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ होम पेज पे जाकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप आधार कार्ड का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड प्रिंट करना, आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके देना, और राशन कार्ड का भी आप काम कर सकते हैं और राशन कार्ड डाउनलोड करके देना। उसके बाद पैन कार्ड अप्लाई करना, वोटर कार्ड अप्लाई करना। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी का थोड़ा शोर आ रहा है क्योंकि मेरा दो जो शॉप है वो रोड के किनारे है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए आप माफ़ी चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे और काफ़ी सारे आईडी है, जो कि झार भूमि मतलब आप ज़मीन वगैरह का भी रसीद वगैरह भर सकते हैं, ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, और कोई भी नया नया सरकारी योजना आता है तो उसका काम आप अभी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आता था पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी सारा जो है सो यहाँ पे सब सारा सर्विस जो है जो एक क्लिक में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे अभी सहारा रिफंड वाला चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे मेरा सेटिंग करके रखा हुआ है, तो एक क्लिक करने पे सारा कुछ ओपन हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें इतना सामान लगेगा, जो कि आपको लगभग ये पूरा टोटल सामान जो है सो 20 से 21 हज़ार में आपका सामान जो है सो साइबर कैफ़े खोलने के लिए टोटल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों साइबर कैफ़े में और भी सामान ज़रूरत लगता है, जैसे कि आपको ये स्टेपलर हो गया और काफ़ी सारे जैसे कैची वगैरह हो गया, गोंद वगैरह, तो आप इसमें मैं ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि वो 50-10-20 रुपये का सामान है दोस्तों। तो आप वो ख़रीद के अपना साइबर कैफ़े में रख सकते हैं और एक अच्छा खासा आप बिज़नेस
कर सकते हैं। दोस्तों, साइबर कैफे खोलने के साथ आप और कौन सा बिजनेस उसके साथ में कर सकते हैं, जैसे कि मैं, दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरा साइबर कैफे इस तरह कुछ है, और यहाँ पे मैं और काफ़ी सारे काम करता हूँ दोस्तों, जो कि गाँव में चलता है बहुत अच्छा खासा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का भी सामान रखा हूँ, और दोस्तों मैं क्या क्या काम करता हूँ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ, जैसे कि शादी कार्ड प्रिंटिंग हो गया, गृह प्रवेश कार्ड प्रिंटिंग, कैरी बैग, झोला वगैरह प्रिंटिंग का मैं काम करता हूँ दोस्तों। और शादी कार्ड का जो है सो सीज़न में दोस्तों काफ़ी अच्छा चलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास शादी कार्ड वगैरह भी का स्टॉक वहाँ पर पड़ा है, वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं काम करता हूँ रिपेयरिंग में दोस्तों, मैं यहाँ पर मोबाइल, पंखा, मिक्सर वगैरह रिपेयर करता हूँ इसके साथ दोस्तों। और यहाँ पे सेलिंग में मैं क्या क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं, तो सेलिंग में दोस्तों आप स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं और मोबाइल का जो भी एक्सेसरीज है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सब कुछ रखा हूँ, जैसे कि हमारे पास है चार्जर, एयरफोन वगैरह सब कुछ है, तो इस तरह भी दोस्तों आप रख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों रिपेयरिंग के लिए हमारे पास SMD मशीन वगैरह भी है और सोल्डिंग मशीन वगैरह भी रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों और आप काम क्या कर सकते हैं, आप स्टेशनरी का काम जैसे कि हो गया किताब हो गया, कॉपी हो गया, और जैसे कि और कॉपी कलम वगैरह जैसे सब आप सामान रख सकते हैं किताब कॉपी का। उसके बाद दोस्तों और आप क्या काम कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सर्विस क्या दे सकते हैं कस्टमर को, जैसे कि आप नया सिम कार्ड, तो दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं अपना शॉप पर नया सिम कार्ड भी रखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अभी जो है सो ये जो जियो का सिम कार्ड है, और मैं एयरटेल का भी ID लेने वाला हूँ वो जल्दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जियो का नया सिम कार्ड भी कस्टमर को सेल करता हूँ, जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स में दोस्तों बिजली बिल पेमेंट्स हो गया, तो कोई भी पेमेंट्स हो गया वो भी करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों कोई भी सरकारी फॉर्म आता है तो वो भी मैं दोस्तों फिल करता हूँ। तो दोस्तों मैं इतना सारा सर्विस किया करता हूं, और यहां पे दोस्तों मैं सारा कुछ सर्विस का यहां पे रेट भी लगा के रखा हूं अपना दुकान में, तो कुछ इस तरह से रेट थोड़ा लगा है दोस्तों मेरा दुकान जो है सो कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप भी चालू कर सकते हैं दोस्तों, 20,850 रुपया यानी कि 21 से 22 हज़ार में आप पूरा ये सेटअप कम्प्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा लैपटॉप जो है अभी मैं सेकेंड हैंड लिया, जो मेरा लैपटॉप दोस्तों 13,500 के लगभग में पड़ा था, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चलता है और एक नॉर्मल यूज के लिए दोस्तों ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, तो आप भी इस तरह से चालू कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से अलग से कीबोर्ड वगैरह लगा के रखा हूँ, और दोस्तों इसके साथ और आप बहुत सारी सर्विस कर सकते हैं, तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।